आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में पियकड़ों की इन दिनों पूरी तरह से मौज हो रही है। जी हां, आपने सही सुना। कहने को तो बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ते देर न लगती है। आपको बता दें कि ताजा मामला राजधानी पटना से ही सामने आया है, जहाँ सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में शराब पार्टी चल रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि करीब 5 की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे और सभी की पार्टी चल रही थी। लेकिन जैसे ही इस शराब पार्टी की भनक पुलिस को लगी, तभी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और मौके पर छापेमारी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस दौरान काफी अंधेरा था। अंधेरे का फायदा उठाकर उन 5 लोगों में से 3 लोग मौके से आसानी से पुलिस को देखते ही फरार हो गए, तो वहीं 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाया और उन दोनों लोगों से पूछताछ की। आपको बता दें कि ब्रेथ एनालाइजर से दोनों की जांच भी की गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है थाना अध्यक्ष का, पहला वो सुन ले। संध्या करीब 9 बजे के लगभग गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि सिविल सर्जन परिसर में जो है कुछ व्यक्ति बैठ कर शराब पी रहे, जिस पर जो है कि पेट्रोल के क्रम में 2 व्यक्ति को वहाँ से भागते हुए कैंपस से भागते हुए पकड़ा गया, जिससे ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने उसमें 1 की शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसका नाम प्रसन्न कुमार है। वो सिविल सर्जन के कर्मचारी बता रहे हैं। क्या नाम है दोनों गिरफ्तार? अब जो दूसरा व्यक्ति है उसका? तो आपने थानाध्यक्ष का वो बयान सुना, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर के जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, ऐसे में सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में शराब पार्टी होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को ठेंगा भी दिखाता है। आपको बता दें कि आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा जो मनमानियां है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शराब की तस्करी पाई जाती है, शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है, बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया जाता है। तो शराबबंदी लागू होने के बावजूद लगातार इस तरह के मामला सामने आने के बाद सवाल खड़ा होना अब तो लाजमी है। हालांकि देखना होगा कि अब इस मामले में पुलिस कब तक जो 3 लोग फरार थे उनकी गिरफ्तारी कर पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।